बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बरवक़्त टीवी के प्रोग्राम हमारे सितारे में आपका मेज़बान ज़ुहैब नासिर हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, यूजुअली आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शाइनिंग स्टार्स आते हैं, तो आज भी उनमें से एक शाइनिंग स्टार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया है। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते, उनसे आपका मतारुफ़ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बारिश ईरानी साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम बारिश ईरानी। आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है। अब बारिश ईरानी साहब, आप कुछ अपने बारे में बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस बलूचिस्तान के किस एरिया से है? बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट शिरानी से है, और यहाँ पे एज ए यंग एक्टिविस्ट, सोशल राइट एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर एज वेल एज चेंज एम्बेसडर, 7 साल से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। 7 साल से आप इस फील्ड के साथ मौजूद। यकीनन कहा जाता है कि जो इंसान को जो हंस के बात करता है या थोड़ी सी पत्थर भी हटा देता है तो वो भी एक सदका जारी में आता है। आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ने आपको चुना एक अच्छे काम के लिए। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जो सोशल, जो हमारे सामाजिक काम है, उनमें से कौन से काम अभी आपने किए हैं अपनी लाइफ में? वैसे अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जब इसका हम स्कोप देखते हैं या वास देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा ही टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमारे कुछ कंट्रीब्यूशंस है, कुछ एरियाज़ पे हमने काम किया है, और इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम के ताउन से तवसुस से मैं लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा। कुछ एरियाज़ इस तरह के हैं कि ओवरऑल जो HIV एड्स पर हमारा बहुत काम रहा है, और इसी के साथ साथ हेपेटाइटिस पर काम रहा है, और वुमेन पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसी में हमारा थोड़ा काम रहा है, और इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल चेंज जो कि एक बड़ा इशू है, इसे पर मेरा थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं, और इसी के साथ साथ एजुकेशनल कुछ सर्विसेज हैं, कुछ खिदमात हैं। माशाल्लाह, आप इतनी छोटी सी, हालांकि आप कितनी बड़ी एज नहीं है, फिर भी आपने ये जो है अचीवमेंट्स हासिल कर लिए। जो पेंडेमिक है इसके ऊपर भी आपने काम किया, क्योंकि आपने हेल्थ के बारे में बताया, हेल्थ इशू के बारे में, HIV एड्स के बारे में मैंने पढ़ा था आपके फेसबुक पर, आपने उसके बारे में भी कुछ काम किया है, मुझे बताइएगा। बिल्कुल सर, ये है कि बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट तो मानो सी बात है, रोज़ वास्ता पड़ता है किसी नई चीज़ के साथ, और ये है ना कि यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ासकर रिलेटेड टू हेल्थ अगर मैं बात करूँ, पैंडमिक जो था वो एक इंटरनेशनल इशू था पूरी दुनिया में, ये मतलब एक पूरी दुनिया का इशू था, लेकिन ये था कि उस टाइम ऐसे सर्विसेज ने है कि हम फ्रंट लाइन पे लड़े, फ्रंट लाइन पे गए, लेकिन ये था कि बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट थोड़े कुछ कंट्रीब्यूशन ये थे कि लोगों को अवेयर करना, मोबिलाइज करना, मतलब इनके हवाले से बताना कि आप लोगों ने क्या एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करने हैं वगैरह वगैरह, और इसी के साथ साथ डेफिनेटली HIV/AIDS जो कि एक स्टिग्मेटाइज इशू है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोसाइटी में एक दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। एक HIV/AIDS भी इस तरह का एक स्टिग्मेटाइज्ड इशू है, और लोग जो है ना दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए हमने एक इस तरह का किया कि ये जो प्राइवेसी सिक्रेसी राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस तरह का किया कि लोगों को एक्सेस दे क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज तक, मतलब कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट आपने वो जी एरिया के हिसाब से कि लोग किस तरह बताते हैं, कहीं नहीं बताते, कहीं टेबू होता है, किस तरह जी बिल्कुल बीइंग ए टेबू, मतलब हमने फिर इस तरह किया कि लोग प्राइवेसी सिक्रेसी के साथ वहाँ पे जाकर एक्सेस क्वालिटी हेल्थ तक, क्वालिटी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वहाँ तक उन लोगों को एक्सेस दी। तो हमने एक ऐप डेवलप की जो कि मोबाइल के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एक डिजाइमस के नाम से, HIV/AIDS के नाम से, तो वहाँ पे लोग प्राइवेसी सिक्रेसी के साथ वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्वेटा में, पूरे क्वेटा के जो भी CTP सेंटर्स हैं, माई मीन टू से के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो लेबॉरटरीज हैं, जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, या जो भी रिलेटेड काम करते हो इनके हवाले से, तो हमने सारे वो इसमें ऐड कर दिए। तो हमने जब इसमें वो ऐड कर दिए, फिर इसके बाद हमने इसके लिए मोबिलाइजेशन भी की, ठीक है, लोगों को भी बता दिया कि हमने इस तरह का एक ऐप बनाया है को, ताकि सोसाइटी वाले, कम्युनिटी वाले, इनको लोगों को पता चल सके, ताकि वो उनको फ़ायदा ले सके। इस DGMS में हम लोगों ने, जिस तरह मैंने बता दिया कि क्वेटा के जितने भी हॉस्पिटल लेबॉरटरीज, हमने इसको ऐड कर दिया विद ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐप है, आप इस पे जाएं, पूरे क्वेटा के बारे में आप मालूम हासिल कर सकते हैं कि मेरा टेस्टिंग कहाँ से होगा, मेरे जो है ना ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, मुझे मेडिसिन कहाँ से मिलेगा, मुझे डॉक्टर कहाँ से मिलेगा जो मेरा ट्रीटमेंट करेगा वगैरह वगैरह।
जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को और भी ऐड करता जाऊँ ना कि इस तरह के हैं, हेपेटाइटिस जो कि एक टेबू है, एक स्टिग्मा है और लोग शेयर नहीं करना चाहते, तो फिर ये होता है कि आप खुद भी ख़राब होते हो, मतलब यानी आप बीमारी मरीज़ हो, आप भी पॉजिटिव हो ना, पेशेंट हैं आप, हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं। एक तो ये है कि आप खुद जो है ना दूसरों के साथ शेयरिंग ना करने की वजह से आप जो है ना आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आप जो है ना खुद भी ख़राब होते हैं, और इसी के साथ साथ दिस ट्रांसमिट टू अदर पर्सन टू, वो दूसरों को भी ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अगर हम वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है ना, ठीक। अच्छा, अगर हम इस पे बात करते हैं कि यार तो ठीक है, वो तो एच आई वी एड्स पॉजिटिव है, इट्स फाइन बिकॉज इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द अदर्स, दूसरों को ट्रांसमिट होता है ना, फिर आपका जो है ना वास्ता पड़ता है सोसाइटी में, हर एक के साथ का वास्ता पड़ता है। सपोज टू अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका कोई ऑपरेशन है और आप इसको नहीं बताते हैं कि आई एम एच आई वी एड्स पॉजिटिव, ठीक है, वो आप पर डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं या दांत निकालते हैं। अच्छी बात की ना, मैं इसको सेकंड करूंगा ना, मतलब कि जब आप अगर आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है तो आप नहीं बताते हैं, आप जितने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, जितने भी सर्जिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं, सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो तो दूसरों पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो ऑपरेशन सेंटर से उसी से वो फैलेगा, दूसरों में भी ट्रांसमिट होगा। जिस तरह आपने बात की जो डेंटल जो क्लिनिक्स है ना, वो तो हर एक जाते हैं, मतलब रोज़ाना की मामूल की बात है, हम रोज़ाना जाते हैं, दांतों की चेकिंग करते हैं, तो इसी तरह वहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन्हीं चीज़ों से वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। सर अगर बात की जाए हमारी सोसाइटी की, तो हमारे सोसाइटी में अगर देखें तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कुछ है वो सॉफ्ट हार्ट के हैं, कुछ वो हार्ड लाइनर होते हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट। या बच्चों की बात ले लेते हैं, तो हर बच्चा कहता है कि भाई मुझे जो है पढ़ाई नहीं करनी या उसको जबर, फिर उसके लिए एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं या ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वो इंजॉय करे उस चीज़ को। तो आप, क्योंकि हमारे भी जो आवाम है माशाल्लाह जो लोग हैं, उनको भी उसी के जो टेस्ट के मुताबिक उनको समझाना होता है, तो आपने कुछ इस तरीके से क्रिएटिविटी की, इनोवेशंस की लोगों को समझाने के? बिल्कुल सर, देखो हमारे जो जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना हमारा काम होता है, वो इनोवेटिव होता है, इनोवेटिव अप्रोच के थ्रू हम करते हैं। तो यही चीज़ को एच आई वी एड्स को ज़्यादा हमने फोकस किया है, और इन टर्म्स ऑफ वो इसलिए भी कि जिस तरह मैंने इस पर बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि स्टिग्मेटाइज इशू है, टेबो है, तो हमने इसके लिए फिर ये किया कि हमने स्पोर्ट्स, ठीक है ना, स्पोर्ट्स को कुछ एक्टिविटीज़ हमने रखे इसमें, ताकि स्पोर्ट्स के थ्रू हम अपना मैसेज लोगों को भी कन्वे कर सके। ठीक है, हमने वहाँ पे टूर्नामेंट्स रखे, टूर्नामेंट्स में मतलब जो कमेंट्री होती है वो बार बार वो यही मैसेज कन्वे करते थे, मतलब कि इस आप जो ना इस टेबो से निकले, इसको स्टिग्मेटाइज इशू मत बनाया ना, आप अगर किसी को एच आई वी एड्स अगर जो भी है पॉजिटिव है तो वो जाकर ट्रीटमेंट करे, और मतलब इसी के साथ हम इसके जो ना जो डिजाइमस हमारा जो सिस्टम है इसी के साथ भी प्रमोशन करते रहे। और इसी के साथ साथ हमने फाइन आर्ट्स के बड़े मेगा इवेंट्स किए हैं, हमने थ्रूआउट बलूचिस्तान से यहाँ पे एक मतलब हमने एक एग्जीबिशन की। हाँ जी जी बिल्कुल सही जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर कर सके एच आई वी एड्स के बारे में, ज़्यादा से लोगों को हम जो ना एजुकेट कर सके, गाइड कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके, ताकि इस चीज़ से वो निकले, इस टेबो से निकले, इस इशू से निकले, और आपने इलाज करे, बर वक्त इलाज करे, ताकि वो मज़ीद फैल ना सके। जिस तरह मैंने बता दिया कि एक 7,000 का जो फिगर मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फिगर है, और दूसरी बात ये है ना कि ये सिर्फ वो रिपोर्टेड केसेज हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं, जो लोगों के ट्रीटमेंट चल रही है ना, बाकी तो ऐसे भी हज़ारों लोग होंगे, मतलब जो जिनको पता है अभी तक नहीं कि मैं एच आई वी एड पॉजिटिव हूँ। और इसी के साथ साथ हमने एग्जीबिशन भी किए थे, जी जी एग्जीबिशन भी किए थे, एग्जीबिशन के साथ साथ हमने म्यूजिकल नाइट इसी में रखे थे। ठीक है, और थ्रू आउट बलूचिस्तान से हमने लोगों को इन्वॉल्व किया, और यू कैन सी हमारे माहौल, जिस तरह आपने माहौल की बात की, हमने इसके लिए वो माहौल बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सके, गाइड कर सके। ज़बरदस्त सर, आपने ट्रेनिंग विद इन पाकिस्तान हासिल की है या बाहर भी, और आपको एक अवार्ड भी दिया गया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको जो 2019 में आपको पीस अवार्ड दिया गया, तो उसके मुतालिक भी कुछ बताइएगा, और 2020 में जो आपको अवार्ड दिया गया था वो भी बताइएगा मुझे। जी बिल्कुल, इस तरह का है कि कुछ ट्रेनिंग्स हम यहाँ से पाकिस्तान से, और कुछ जो है ना बाहर से भी
इस तरह मतलब एक ट्रेनिंग में भी मैंने वहाँ पे वो पीस के हवाले से मैंने बैंकॉक थाईलैंड से वहाँ पे गया था, मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी। वो इस तरह का था कि पीस के हवाले से बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे जो बलूचिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ हैं, आपको पता है कि जिस तरह का सिचुएशन है वहाँ पे मतलब, तो इस वजह से फिर माइग्रेंट्स का यहाँ पे आना और वो और यहाँ के लोगों का वहाँ के जाना मतलब वो प्रॉपर जो मैकेनिज्म है बॉर्डर जो मैकेनिज्म है वो मौजूद नहीं है। दैट्स वे मतलब है मतलब बलूचिस्तान आपको पता है कि फिर जो बलूचिस्तान में जो अमन के जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। सो दैट्स वाई मतलब कि एक पीस की प्रमोशन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइव्स, इसी तरह भी हमारे कुछ कैंपेन्स थे हमने वो चलाए। तो हम जो एन जी ओ के साथ मिलकर जो हमारे जो कुछ गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर हमने कुछ कोशिशें की ताकि अमन की अमन को फरोग दिया जा सके और भाईचारे के जो माहौल है इसको डेवलप किया जा सके और पुरअमन माशरे की तश्कील हो। इस हवाले से भी थोड़े मतलब हमने ये किए कि पेयर टू पेयर मीटिंग्स, यू टू यू मीटिंग्स, कंसल्टेशंस और इसी तरह के पीस प्रमोशन के लिए कुछ सेमिनार्स करना, कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, दिस वाज द पार्ट ऑफ माय कैंपेन। तो इस बिहा पे मतलब मुझे ये अवार्ड भी दिया गया। और इसी के साथ साथ ये है ना कि हमने एक स्ट्रेटजी डेवलप की फॉर पीस, यानी पीस प्रमोशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। इसी के इसी कॉन्टेक्स्ट में हम गए सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में, जो कि यहाँ पे बलूचिस्तान में जो हज़ारा कम्युनिटी है जो कि मतलब उन लोगों ने ज़्यादा सफ़र किया, फिर इसके बाद जो पश्तून कम्युनिटी है, बलोच कम्युनिटी है या अदर हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं जिन लोगों ने भी सफ़र किया, तो हमने एक इस तरह की मैकेनिज्म डेवलप की ताकि उन लोगों के साथ जाकर मतलब इस तरह के जो लाओ ठीक है लाओ ब्रदरहुड पैशन इस तरह के हमने कुछ इसके साथ काम किए ताकि भाईचारे के माहौल को फरोग दिया जा सके। सर इसके साथ साथ अगर डेमोक्रेसी में बात की जाए तो रिसोर्सेज का भी एक बहुत बड़ा होता है, जिस तरह डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं वो एक ग्लोबल लेवल पर मतलब वो सबके इश्यूज होते हैं, यानी कि इंसान जो है जहाँ भी इंसान बसता है उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनमें से एनवायरमेंटल एक इशू भी होता है, तो इसके मुतालिक भी आपने कोई काम किया? क्लाइमेट चेंज जो है ना वो आजकल दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। अगर मैं ये बात करूं कि मौजूदा दौर में शायद जंग से इंसान को इतना ख़तरा नहीं है जितना एनवायरमेंटल चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना जिसकी वजह से हो रहा है। आपको अगर बता दूं मतलब कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो हालात बहुत अबतर हैं। जो रिसर्च हम हमारे सामने आते हैं, जो डेटा हम देखते हैं या कहीं पे पढ़ते हैं, इनसे ही पता चलता है कि मतलब बहुत बड़ा ही मतलब क्लाइमेट ने हमारे जो रीजन है इसको बुरी तरह जो है मुतासिर किया हुआ है। और अगर आपको बता दूं कुछ दिन पहले मैं कुछ एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो रिपोर्ट में मैंने देखा कि वो पाकिस्तान जो है ना वो जो टॉप सीवियर जो कंट्रीज़ हैं ना जो द मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, उन्हीं में इसको इंक्लूड किया गया है, पाकिस्तान उसी सिचुएशन पर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो 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 टेम्परेचर इंटरनेशनल जो टेम्परेचर रेज हो रहा है, जो उसका जो मतलब बढ़ रहा है, इसी वजह से जो है ना ग्लेशियर का जल्दी से पिघलना ठीक है, इसी के साथ साथ जो है ना दरियाओं में फ्लड का आना ठीक है, और साथ साथ जो वहाँ पे जो मुंसलिक जो आबादियाँ हैं इनको डैमेज करना, और इसी के साथ साथ वहाँ पे जो जितने भी फसलें हैं वो तबाह होती रहती हैं ना, एक तो वो इन दैट कॉन्टेक्ट्स ठीक है कि ग्लेशियर पिघलते जाते हैं और आर्टिफिशियल जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं फर्टिलाइजर वगैरह उससे भी बहुत बड़ा। और यहाँ तक कि यहाँ पे जो पहले जो बर्फबारी यहाँ पे पड़ती थी ना, जो पिछले साल जो बर्फबारी यहाँ पे पड़ी है पाकिस्तान में 26% कम पड़ी है, यानी इतनी 26% कम पड़ी है। और इसी के साथ साथ ये है ना कि अगर हम देख लें फिर कि ये एक स्टार्वेशन की तरफ बात जा रही है, बात इस तरफ जा रही है कि कुछ अरसा बाद जो है ना वेरी सोन अगर इस पे काबू नहीं पाया गया, इसके लिए इकदाम नहीं उठाए गए, इसके लिए काम नहीं किया गया, और तो जो है ना बात जाएगी कद की तरफ कि बहुत से जो ज़्यादा एरियाज़ हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे जो है ना पानी की जो टेबल है वो नीचे जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर ये भी बता दो कि सर ये बहुत बड़ा इशू है, इंडस रिवर जो कि लाइफ लाइन है पाकिस्तान का ठीक है,
उसी में अगर आप पानी देख लें तो इससे क्या पानी का तनासब भी जो है ना कम होता जा रहा है। डैम आपके जो तरबेला डैम है या मंगला डैम है, इसी का जो पानी का जो है ना वो भी मतलब नीचे जा रहा है, स्तर नीचे जा रहा है, इतना पानी इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, जितना होना चाहिए, बारिश से कम है, ये बहुत बड़ा इशू है। और इसी के साथ साथ ये है कि यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात को बेदर्दी से काटा जा रहा है, न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं ला रहे हैं, मतलब कि कोई प्लांटेशन वगैरह करे। और इसी के साथ साथ रिसेंटली जो कुछ वाकयात ज़ियारत में हुआ, शेरानी में हुआ, फिर इसके बाद स्वात के इलाकों में जो आग लग गई ना, तो इससे भी मतलब जो है ना बड़ा एनवायरमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा तशका पहुंचा। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इस तरह के कुछ बलूचिस्तान के कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो बिल्कुल वहाँ पे जो है ना शायद कुछ दिनों में जो इमरजेंसी अगर वो डिक्लेयर कर देना, कुछ ऐसे एरियाज हैं कि वहाँ पे जो है ना पानी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरों के इलाकों को जा रहे हैं, पानी वहाँ पे नहीं है, बारिश वहाँ पे नहीं है, माल मवेशी जो ना तबाह हो गई, फसलें तो पहले से तबाह थी, अब तो और जो ना उस पे आ गया, मतलब एरिड लैंड है, मतलब वहाँ पे ड्राई थोड़ा सा या जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एवोपरेशन ना होने के बराबर पानी नहीं है, या पर एवोपरेशन कहाँ से होगी जी, बिल्कुल। तो इसी हवाले से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि एक सोशल मीडिया के थ्रू हम एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके, अवेयर कर सके, गाइड कर सके, ताकि वो जो ना डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करें, ठीक है, जी जी प्लांटेशन करें, दरख्तों को इस तरह ना काटें जिस तरह काटा जा रहा है, जिस तरह रोज़ हमें रिपोर्टिंग केसेस जो ना हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं रोज़ सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब वहाँ पर हमारे सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो इसके लिए भी मतलब हमारी जो है ना कोशिशें जारी तारी है। बस सर वो कहते हैं कि चेंज है वो आता है लेकिन वक्त था, लेकिन आपकी जो कोशिश है, जो आपके इंटेंशंस हैं, वो डायरेक्शन आपको बता रहे हैं, सोल्यूशन भी इंशाल्लाह आते रहेंगे, तो उम्मीद करते। लेकिन सर अभी देखिए वक्त जो है वो किसी के, वक्त बहुत ज़ालिम चीज़ है, ये किसी के वेट नहीं करता। तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, वो रह जा रहे हैं क्योंकि टाइम की वजह से, क्योंकि वक्त से तो लड़ाई नहीं की जा सकती इतना ज़्यादा। आप मुझे लास्ट मैसेज बताइएगा कि एज सोशल एक्टिविस्ट हमें किस तरह लोगों के लिए बेहतरी करनी चाहिए। हमने डिस्कशन किया, जो टोटल सम है आप डिस्कशन का एक या दो लाइनों में बता दें कि क्या करना चाहिए। ये है ना कि जितने ज़्यादा हम लिटरेसी को फोकस करें, सोसाइटी को एजुकेट कर सकें, और जो कुछ छोटी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, हाँ, इनको हम दूसरों तक मतलब वो डिलीवर कर सकें, आई थिंक दिस इज़ मोर देन एनफ। अगर चाहें फिर वो हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, लिटरेसी हो, या फिर इसके बाद जो है इन्वायरमेंट हो, हम सब ने मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स ये करनी है कि हमने जाकर इन चीज़ों को ना बूस्ट अप करना है, उन लोगों को कन्विंस करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। बारिश ईरानी साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में, हमें इज्जत बख्शी, और आपने यानी कि अपनी नॉलेज के बारे में बताया, जितने भी आपने काम किए उसके बारे में बताया, आपने बहुत बड़ा काम Thank किया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बारिश ईरानी जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जो लोगों को रास्ता बताते हैं, और उनकी जो हालात है, ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, वो किस तरह की जाती है, ये भी सब कहे जा रही में आता है। तो नाज़रीन, आप मुझे अपने मेज़बान ज़ुहैब नासिर को इजाज़त दीजिएगा, एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। अल्लाह नगेबान, बहुत शुक्रिया।